हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करता हूँ फिर से और एक नए ब्लॉग पे। तो फिलहाल आज मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ ये लौटाने के लिए। उस दिन मैं लाए थे ना अमरुद, यहाँ पर बढ़ के सुबह सोर में लाए थे ये वाला रूपम की घर से, रितु आंटी ने दे दिया और अभी इसको मैं वापस देने जा रहा हूँ। तो आज मौसम बहुत ही अच्छे है कल की तरह, इतना धूप भी नहीं और इतना बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं है, एकदम मॉडरेट। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो आज मैं जो है सब्जियाँ तोड़ने आया हूँ एकदम जंगली वाले। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होता है बिल्कुल केरले की तरह होती है, जो नहीं होता है कि भीतरगढ़ बिल्कुल उसी तरह होते हैं ये, लेकिन थोड़ा और उससे ज़्यादा थोड़ा हल्के कड़वा होती है ये साग जो होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होती है। लेकिन और यहाँ पर जो है फैन भी है, फेदर हेड फैन। सबसे पहले मैं ये वाला साग को तोड़ लेता हूँ। हमारे यहाँ पे इस तरह का साग जो है बहुत ही पसंद किया जाता है और मैक्सिमम लोग इसको खाते हैं, लेकिन हल्के से कड़वा होते हैं है तो, लेकिन बहुत बढ़िया। आहा, कल गए थे हम लोग सुबह और में सुबह की खेती में, वहाँ से कद्दू की साग लाए थे और वहाँ में जो है तोरी बहुत मिले थे वो पेडल हेड पैन, तो उसमें जो है बहुत सारे दिखाई पड़ रहा है मुझे और ये भी तोड़ूंगा मैं ज़रूर। यहाँ पे देख सकते हैं और उधर भी है सरो और है, यहाँ पे भी है। तो इन सभी को मैं साग को पहले इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो है इन सभी को तोड़ूंगा मैं। इस साग को तोड़ने के बाद हेल्थ को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें एकदम ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ खाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग इस साग को अपने लैंग्वेज में कहा जाता है हंगरागुलो साग। जो हंगरागुलो हम लोग कहते हैं ना वो बिल्कुल केरले की तरह होते हैं, लेकिन वो जो है मीठा होते हैं, जो केरले होते हैं वो बहुत ही कड़वा होते हैं। बारिश हो रहा है दोस्तों, मेरे पास सता नहीं है, केले के पट्टे को ढक के जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही सर्दी हो जाएगा। पहले से भी सर्दी हुआ है मुझे और ऊपर से जो है कब भी हुआ है मुझे, तो इसको दाग के जाना होगा मुझे फिलहाल। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सुबह को धूप दिया था पर अचानक अभी बारिश दे रहा है। हाँ, सुबह को धूप दिया था पर अभी जो है बारिश देना शुरू कर दिया। वेदर जो है कब चेंज हो जाता है हमें खुद मालूम नहीं होता है दोस्तों, यही है। ओहो, अभी थोड़ा बस गया हमें बारिश से ना। तो दोस्तों मैं सो रहा था तभी अंकल आ गया मछलियाँ लेके, एकदम लोकल मछलियाँ लेके आए थे, पता नहीं कहाँ से खरीद के लाए थे। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया सफाई करने के लिए। फिलहाल वो राहुल के घर में जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं मछलियाँ हैं एकदम फ्रेश वाले, बिल्कुल लखल वाला जो नदी में मिलता है ना वही मछली खरीद के लाया है बोला है। तो वो फिलहाल राहुल के घर में गए हैं, कुछ देर के बाद वो आ जाएगा और मैं उसको सफाई करता हूँ वो आने तक। मोना ने हुई ओलर गुरीते। तो यहीं पर देखिए दोस्तों मैंने पूरा मछली को जो है बना के रख दिया अंकल को। तो यहाँ पे जो है हम लोग अंकल और मैं लंच करेंगे आज मेरे रूम पे दोनों हुआ के। अरे ये पॉप
यहाँ पे मिर्च की चटनी, तो गाइस हमारे लंच भी हो चुका है और यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं आप लोग, दिख रहे होंगे शायद, तो बारिश हो रहा है, बहुत जोर से बारिश दे रहा है। तो आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से अभी मैं जो है 7000 के नज़दीक आ चुका हूँ और थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करें 7000 पहुँचने के लिए, बस नज़दीक क्यों आ चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो से मेरा जो है 7000 पहुँच जाएंगे ना, तो ज़्यादा नहीं, तो 7000 पहुँचने के लिए बस कुछ ही और बाकी है, तो आप लोग कर दीजिएगा। लॉन्च करके सो गया था दोस्तों, अभी जग गया हूँ और यहाँ में मेरे पीछे में ये पे राहुल भैया भी सो रहे हैं अभी तक। तो दोपहर को जो थोड़ा सा बारिश दिए थे और अभी जो है बारिश रुक गया है, सूरज भी निकल आ चुके हैं। पता नहीं दिन को क्या हो गया आजकल, कभी बारिश देते हैं और एकदम पल भर में चेंज होके धूप देते हैं, बारिश देता है, धूप देते हैं, ऐसे हो रहा है वेदर। मैं एक बार बाहर जाके चेक करता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर नज़र आ रहा है ना आज। और यहीं पे बहन उसका स्कूटी को सफाई कर रहा है, धुला रही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है थोड़ा अलग टाइप का अमरूद है और ये इसका जो रंग होता है ना बिल्कुल अलग ही डिफरेंट है दूसरी से, और दूसरे वाला तो हरे होते हैं और ये जो है बिल्कुल काले काले, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक ठीक से पका नहीं। ये फिर जो है इसका पट्टी भी लाल लाल है और थोड़ा काले रंग भी है, बहुत ही अलग है वो से ना दूसरे वाले से। तो एक बार मैं इसको तोड़ के देखता हूँ पका है क्या, ठीक से पका नहीं, पर इसको इसका टेस्ट लेना चाहूँगा मैं, अभी तक खाया नहीं। ये भी देखिए बिल्कुल पिंक अंदर में, मीठा भी है। पहली बार इसको टेस्ट किया हूँ, अभी तक पका नहीं है, ये पकने से और भी बढ़िया होगा। किसी ने खाई है इस तरह का अमरूद? मैं तो पहली बार खा रहा हूँ ये वाला, बिल्कुल पिंक कलर का ना, बाहर का हिस्सा थोड़ा काले का है और अंदर में पिंक कलर, ये वाला चमड़ा जो है ना बिल्कुल काले काले ना, तो ब्राउन कलर का। फिर से बारिश हो रहा है और कपड़े जो है मैंने बाहर पे रखा है। तो फिलहाल मैं नहा लेता हूँ, अभी नहा धो के पूरा फ्रेश अप हो गया हूँ मैं नहा धो के। और यहाँ पे देखिए बेटिया कुछ अमरूद दे रहा है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाएगा, उसको दे दो। ये देखो कितना प्यारी बच्ची है ना, मुझे ये दे दिया है, थैंक यू नियोमी। खाने को तो मन नहीं है, बहुत प्यार से दे दिया, इसको खा लेता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं तिजुकी एयरपोर्ट की ओर, किशन भाई या मैं, राहुल और एक्चुअली अंकल जो है वो जा रहे हैं गुवाहाटी में, तो यहाँ पे उसका सामान है देख सकते हैं, ये मेरा है और ये इसका अंकल का है। तो थोड़ी देर बाद राहुल भी आ जाएंगे और किशन भैया तो घर पे है, और अंकल जो है किशन भैया के घर पे है,
और यहाँ पे देखिए राहुल भाई अभी पहुँच गया है और वहाँ पे किशन भाई और अंकुल भी आ रहे हैं, तो उसको ड्रॉप करना है एयरपोर्ट तक। चलो गाइस ओ ब्रो। तो गाइस फिलहाल हम चलते हैं, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ में समाप्त करना चाहूँगा। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जो जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।